So beta, yesterday we started polyhedrals and we discussed what type of polyhedrals. Now we have to do the questions related to it. Now so everyone open page number 137 nikalo pehle. Kriti. 137 page pe ye jo likha hai na, observe that. इसमें सारे पॉइंट्स हैं, जस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सो जस्ट गो थ्रू. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन. इट इज दे आर टेलिंग हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, राइट. आफ्टर दैट कम टू थ्योरम 8.1. Theorem 8.1. इसका प्रूफ करेंगे. अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. पेपर में अगर मान लो ये इसका प्रूफ आता है तो कैसे आएगा? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इसका मतलब ये है कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है. व्हाट इज गिवन टू अस? अ पैरेललोग्राम. वी हैव टू टेल दैट दिस की जो इसका डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को किस में डिवाइड करता है? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. लेट अस टेक बीडी डायगोनल. सो इन दिस थ्योरम व्हाट इज गिवन? दैट ए बी CD is a parallelogram. What we have to prove? Triangle ABC is congruent to triangle CBD. एक मिनट. अब बेटा ये जो क्वेश्चन मैं वही बोलने लगी. रुको एक मिनट. ठीक है ना, हमने ये प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स congruent. अब कॉन्ग्रुएंसी करते वक्त सेवंथ में मैंने ही क्या करवाई हुई आपको? कॉन्ग्रुएंसी आपको बताया था कि द कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी करेक्ट. नेमिंग कैसे लेनी है? जैसे मान लो मैं लेती हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी बी डी. दिस इज गिवन पैरेललोग्राम. वी हैव डन द प्रॉपर्टी दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू, यहां ए बी है, यहां सी बी आ रहा है. इसका मतलब हमारा नेमिंग जो हमने लिया है वो क्या है? गलत. हम किस तरह से लेंगे? ए बी के सामने आना चाहिए सी डी. सी डी बी, सी डी बी लेकर देखो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस सही आती है. ए बी इज इक्वल टू CD, then AD या BC is equal to AB. हाँ ABD आएगा ना, ट्राइंगल ही गलत लिया. ABD. एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट फिर मैं बताती हूँ. AB is equal to CD. ये क्लियर हो गया. उसके बाद क्या है? AD इज इक्वल टू BC. वो बात की बात है. पहले तो हम ट्राइंगल के नेम के अकॉर्डिंग देखें. नहीं, वैसे तो इसके अकॉर्डिंग A है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट C आना चाहिए. ठीक है, A के कॉरेस्पॉन्डेंट C आना चाहिए, B के कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए डी और सी डी बी. अब देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी. ये जरूरी नहीं है कि अगर ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये ऊपर से नीचे जाए, ये जरूरी नहीं है. आमने सामने साइड होने चाहिए. ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए कि अगर ए बी है तो सी डी है, सामने वाली साइड आ गई. उसके बाद हमारे पास है AD.
एडी इज इक्वल टू सीबी, ये भी करेक्ट आ गया, ठीक है, एंड बीडी इज इक्वल टू डीबी कॉमन। वैसे पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ए से शुरू किया है तो उसके सामने वाला उसके कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। अगर ये दो ट्राइंगल्स लेते हो, वी नो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ए के इक्वल एंगल कौन सा है, सी, तो ए के कॉरेस्पॉन्डेंट सी, बी के कॉरेस्पॉन्डेंट डी, आगे समझ। सो ये ट्राइंगल के नेम है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी। कॉरेस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंप्रूविंग द ट्राइंगल्स कॉन्गुएंट। मान लो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस गलत ली, मींस नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल इज रॉन्ग, देन नो मार्क्स विल बी गिवन, जीरो मार्क्स है, चाहे तीनों प्रॉपर्टी सही हो, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या लिखू, सी डी इज, नहीं बेटा इसके अकॉर्डिंग देख, ना कि फिगर के अकॉर्डिंग। ए बी पहले है ए बी, फिर तो सी डी। ये जरूरी नहीं है कि अगर ए ऊपर से नीचे जा रहा है तो ए भी ऊपर से नीचे जाए, ये जरूरी नहीं। लेकिन बेटा एक बार में सुना करो, ठीक है ना, बोल रही हूँ कि इसके अकॉर्डिंग सही सेम होना चाहिए, पहले ए है फिर बी, तो इसके अकॉर्डिंग सी और डी, उल्टा नहीं होना चाहिए। फिगर में आमने सामने है, ठीक है, डायरेक्शन भी देखनी। उसके बाद बच्चे हमारा है ए डी इज इक्वल टू सी बी, अगेन द सेम रीजन। थर्ड इज बी डी इज इक्वल टू डी बी कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाय एस 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 रूल। दिस इंप्लाइज, बस यही प्रूव करना है, ए एस एस ए एस ए कर सकते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन, बाय एंगल साइड एंगल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कर सकते हैं। वो इजी है दादा, ठीक है, उसमें सीधा एंगल लिखो, बात खत्म। ये भी इजी है, करो जी करो, जल्दी नोट करो एंड बी क्विक, यू जल्दी करो, क्या हो गया है, कहाँ कर रहे हो, तुमने नोटबुक खोली है, अब यू आर स्लो। फिगर जब बनाओगे फेयर में, इट शुड बी मेड विद दिस फिगर, नहीं बनानी बिना फिगर के क्वेश्चन, जीरो नंबर है विदाउट फिगर को, इफ यू विल सॉल्व मेकिंग फिगर इन रफ, जीरो मार्क्स। एंड व्हेन यू विल बी गिविंग मी द नोटबुक, तब आप जैसे अब करते करते फिगर चाहे फ्री हैंड बना लो, लेकिन कॉपी जब मुझे चेकिंग के लिए देनी है स्केल से बनी होनी चाहिए फिगर, वरना मैंने सीधा क्रॉस लगाना। बोलो, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक, क्योंकि जो हमने अपने टू प्रूफ में लिखा वही हमने टू प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट थ्योरम्स जो हैं, लिसन, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द थ्योरम्स इन योर फियर नोटबुक। लिखोगे आप थ्योरम 8.2, थ्योरम 8.3 की स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं करेंगे। अगर किसी का प्रूफ करना होगा तो बाद में डिस्कस करके करना है कि किसका कराना है किसका नहीं। हाँ तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखो ना बेटा, 8.1 का प्रूफ करना है, बाकी जो थ्योरम्स हैं उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो अभी नहीं लिखोगे, यू कैन लीव द स्पेस, यू विल राइट लेटर ऑन, लेट अस डिस्कस। स्केल चाहिए, आपका स्केल है, बाद में आपका स्केल है,
अभी आप फ्री हैंड बना लो बेटा प्लीज, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियसली वी हैव डन यस्टरडे, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड क्लोज फिगर, अगर उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो 100% क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस आल्सो वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट 8.5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ज्यादा डिस्कस की है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तब भी वो पैरेललोग्राम है। समझ आ गई? अगर वन पेयर पैरेलो, नहीं, अगर वन पेयर पैरेललोग्राम है अगर वन पेयर पैरेलल है और इक्वल है, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक पेयर आमने सामने की पैरेलल है और वो इक्वल भी है तो वो पैरेललोग्राम है। सिर्फ पैरेलल मतलब मान लो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो इफ वी प्रूव दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड एडी इज इक्वल टू बीसी, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी साइड की बात ही ना करो, युग पहले बात को समझा करो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग दैट इन अ पैरेललोग्राम वी टॉक अबाउट बोथ द पेयर्स, बोथ द साइड्स, ऑल फोर साइड्स, ये आपस में। मान लो अगर हम इसकी बात नहीं करते तो कैसे कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर मतलब आमने सामने वाली साइड्स इक्वल भी हैं और आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल भी हैं तो वो पैरेललोग्राम है। सिर्फ पैरेलल पे पैरेललोग्राम नहीं कह सकते और सिर्फ इक्वल पे पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आ गई? अगर तुम्हारी क्लास और वो क्लास के सारे बच्चे सेम हैं, सेम लेवल के हैं, दो चीजें, दो कंडीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम, द एजेस आर सेम, देन यू आर इन द सेम क्लास, अदरवाइज नो। आगे समझ? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है हनूर? ये मुझे नहीं पसंद। हांजी, तू सुनता नहीं है, क्लास में ब्लैंक होके बैठा है। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये डायगोनल, ये पैरेललोग्राम है, एक मिनट, बोलेगा नहीं कोई, ये पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। हिंदी में बोल, दो डायगोनल आप बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? जसकीरत चुप, कुछ नहीं बोलना, कोई कमेंट नहीं करना, बोलो। वो तो डायगोनल इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं का मतलब। युग, मतलब ये इसको, ये डायगोनल इस डायगोनल को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है, ये पोर्शन कल समझाया था इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कन्वर्स है कि अगर जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। ऐसे, ठीक है। हाँ जी, स्टेटमेंट्स आपकी लिखी है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। हाँ जी, एक्सरसाइज 8.1। First question is very easy. The angles of the quadrilateral are in the ratio
3:5:9:13 फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये बहुत इजी है, ठीक है. रेशो गिवन है, सारे के साथ एक्स लगाएंगे. वी नो द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, बस वैसे ही करना है. लिखो, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 3x, 5x, 9x एंड 13x. रेशियो हटा के x. नाउ 3x प्लस 5x चारों एंगल्स का सम 360 एंगल्स. सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 13 प्लस 9 22 27 30 30x इज इक्वल टू 360. प्रूफ करना, क्यों करना? प्रूफ नहीं करने अभी थ्योरम्स के, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे थ्योरम्स के प्रूफ नहीं है, तो इसलिए नहीं करने. पहले किसी टाइम पे करवाते होते थे, अब जैसे सिलेबस बदल गया है तो सारे थ्योरम्स के प्रूफ नहीं है. हम खुद देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरम्स के प्रूफ है, बस वही करने. अननेसेसरली क्यों डालना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत है. आगे देखिए एग्जाम्पल, जो करने वाली चीजें हैं वो कर पहले. ये सारी एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल देखिए कितनी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सारी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर सिलेबस खत्म हो जाए फिर हमने वो सारी भी करनी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एग्जाम्पल्स भी करनी है. ये देख, ये थ्योरम है इसकी, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये करनी है. आगे आके ये मिड पॉइंट थ्योरम है वो करनी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट करनी है, वो इम्पोर्टेंट है. ये सिंपली अभी इसके प्रूफ नहीं करने, ठीक है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. If the diagonals of parallelogram are equal, then it is a rectangle. अब हमने क्या प्रूफ करना है? If the diagonals of a parallelogram, एक parallelogram है, उसके diagonals equal हैं, और हमने प्रूफ करना है कि वो एक rectangle है. तो बेटा एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको वो बताया है कि ऑब्जर्व दैट, वो सारे पॉइंट्स पढ़ना. उसमें देयर इज अ वन पॉइंट कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, मान लो किसी एक पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम ऐसे टेढ़ा भी बन सकता है, इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? ऑब्वियसली हमने अगर प्रूफ करना है फिगर को कि फिगर रेक्टेंगल है, तो हम फिगर को रेक्टेंगल ही बनाएंगे, ठीक है. तो देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90, देन इट इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टीज होती है? ऑपोजिट साइड इक्वल. तो पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड इक्वल. डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स आर इक्वल इन्होंने दे दिया, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट होती है, वो भी प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई होती है. लेकिन पैरेललोग्राम के हर एक एंगल 90 नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के होते हैं. हम उस कंडीशन पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये प्रूव करेंगे कि हाँ जी ये पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 90 है. इफ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90, देन वी कैन कॉल दैट पैरेललोग्राम अ रेक्टेंगल. समझ आ गई? इसमें आप लिखोगे गिवन ए बी सी डी, बोलना नहीं है प्लीज. ए बी सी डी इज अ, लिखो बेटा. अब स्केल मांगोगे आप, अपना स्केल दो मत फिर किसी को,
हरनू गिव द स्केल बैक, गिव द स्केल बैक। भीड़ कितना है? राघव है आपका नाम, लेना नहीं है बेटा, वो बात नहीं है, फ्री हैंड बना लो, अभी पेंसिल से बना लो। तो पेंसिल से बनानी है फिर कॉपी में फिगर। डायगोनल्स आर इक्वल, गिवन है एसी इज इक्वल टू बीडी, दो चीजें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स इक्वल है। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, प्रूफ, प्रूफ देखो, बेटा देखो, हम ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें ये एंगल आता है ए और ये एंगल आता है बी। आप कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? इन ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ले लें, नेम बाद में देखते हैं, उसमें ये एंगल ए आता है। एक ये ट्राइंगल लेते हैं जिसमें क्या आता है एंगल, इन दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी, याद है? अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल, एंगल ए और एंगल बी इक्वल आ गए। ऑल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम, यस्टरडे आई टोल्ड यू The sum of the adjacent angles of a parallelogram makes 180. ये दोनों equal हैं, दोनों का sum 180, तो ये भी 90, ये भी 90. अगर एक angle 90 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? अब हमने main क्या है? हमने इसको congruent prove करना, किसको? ये वाले triangle को, ये वाले triangle को. Naming लेंगे ऊपर से. DAB. D के corresponding B लेंगे. देखो लेकर ला, let's see. इन ट्राइंगल डी ए बी एंड बी सी ए, बी सी ए इधर वाला और इधर वाला, लेट अस सी, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया है, इसमें लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू सी बी, इधर देखो एडी इज इक्वल टू सी बी, या DA is equal to BC, कुछ भी लिख सकते हो, DA is equal to BC, direction नहीं देखना, side देखना, ये हो गया, reason लिखती हूँ। उसके बाद क्या है हमारी, AB is equal to AB, अब एक मिनट, common वाला बाद में देखेंगे, ये common आ गया। तीसरी क्या है? Diagonal is equal, इसमें कौन सा DAB में diagonal? DB is equal to, ये correspondence सही नहीं है, देखिए DB लेती हो, लेकिन ये तो clear, एक मिनट बेटा, एक मिनट, in triangle DAB and CBA, ऊपर से अब देखो DA is equal to CB, okay, then this DB is equal to CB. DB is equal to CB. समझ आ गई? ठीक है? So DA is equal to, DA is equal to CB. Opposite sides of parallelogram are equal. AB, जब हम लिखते हैं ना AB is equal to BA, तो common वाले केस में कई बार AB is equal to BA आता है, कई बार AB is equal to AB भी आ जाता है, वो कोई बात नहीं, ठीक है? AB is equal to BA common, third है हमारे पास diagonal, DB is equal to, this is what reason, therefore triangle DAB is congruent to triangle CAB by SSS rule. This implies angle A
इज इक्वल टू एंगल बी, वैसे तो लिखना चाहिए ये पूरा, इसको एंगल वन भी ले सकते हो या सिंपल एंगल ए भी लिख सकते हो, पूरा एंगल ए वैसे तो लिखना चाहिए, बी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, बट अगर पूरा एंगल ए लिखते हो वो भी करेक्ट होगा, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी पी सी टी, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, उसके बाद यहां लिख रही हूं ये इंपॉर्टेंट है लिखना है। नाउ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सम प्रॉपर्टी बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, इस मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम क्या होता है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम क्या होता है, 360। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते थे ना, 1+2+3 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब उस फिगर की एंगल सम प्रॉपर्टी। लक्ष्य चुप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बी फास्ट, बहुत सारे यहाँ के ले लो, जो ऑफलाइन आते हैं उनके अटेंडेंस नहीं मार्क करनी है, पता है ना। So we will discuss the next question beta tomorrow. Theek, right? Take care. I hope everyone has noted. Okay.